ये हम लोग कल देख रहे थे जाते जाते कि न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी, न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी डिपेंड करती है किस पे? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन पे. यही देख रहे थे ना कल हम लोग. बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन पे डिपेंड करती है किसी भी न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी. ठीक है, जिसमें ये एग्जांपल भी कल हम लोगों ने किया था. जैसे बताइए, अगर दो न्यूक्लियस हैं एक्स एंड वाई, एक्स का टोटल बाइंडिंग एनर्जी कितना है? 50 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. वाई की टोटल बाइंडिंग एनर्जी कितनी है? 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. और एक्स में नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन है 10, वाई में नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन है 40 है. तो अगर हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन फॉर एक्स निकालें तो ये हो जाएगा ऊपर में आपको रखना होगा 50 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और नीचे में क्या रखना होगा? 10 रखना होगा. और यहां से आपको मिलेगा 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ना. अगर आप बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन फॉर वाई निकालिएगा तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी कितनी है? 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. और टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने हैं? 40 हैं. और ये कितना आया था? 2.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया था. तो भले इसकी टोटल बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है तो क्या है, लेकिन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन तो कम है ना. इसका टोटल बाइंडिंग एनर्जी कम है तो क्या है, लेकिन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ज्यादा है. तो जिसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ज्यादा होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है. तो इसमें ज्यादा स्टेबल कौन है? एक्स ज्यादा स्टेबल है. ठीक है, ये देखा था हम लोगों ने. चलिए अगला कॉन्सेप्ट ये है कि स्टेबिलिटी एन बाई जेड के रेशियो पर भी डिपेंड करता है. यहाँ एन जो है वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है और जेड जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है. जेड क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है. ठीक है, कॉन्सेप्ट ये है कि अगर जेड हम 25 से कम लें, यानी एटॉमिक नंबर 25 से कम किसका होता है बताइए? 25 से जस्ट कम किसका होता है? क्रोमियम का ना होता है, 24 क्रोमियम होता है. तो क्रोमियम या फिर उससे पहले के न्यूक्लियस के लिए n बाई जेड का रेशियो कितना होना चाहिए? अगर n बाई जेड का रेशियो 1 रहेगा तो वो न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल माना जाएगा. अब बाबू, n बाई जेड के रेशियो के 1 होने का मतलब हुआ कि आप अगर इस 1 को उधर लेके जाइएगा, क्या कर रहे हो तुम लोग? लास्ट बेंच जो है पढ़ना है तो पढ़ना है तो पढ़ लो. n बाई जेड के रेशियो के 1 होने का मतलब हुआ कि हम जेड को अगर उधर लेके जाएं तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यानी कि 25 से कम के लिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम होने चाहिए. जिसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, और अगर सेम नहीं होगा तो वो थोड़ा कम स्टेबल माना जाएगा. जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग सोडियम ले लें तो सोडियम 11 और 23 ना होता है. अगर हम मैग्नीशियम ले लें तो ये 12 और 24 होता है. आप बताइए इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है? नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है? 11 है. और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है? तो 23 में से 11 घटाइए कितना आ रहा है? 12 है. तो मिला जुला के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम नहीं ना है, तो ये थोड़ा कम स्टेबल होगा. ये थोड़ा कम स्टेबल होगा. यहां बताइए नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है? 12 है. और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी कितना है? 12 ही है. इसमें से घटाइएगा 12 आएगा, तो ये थोड़ा ज्यादा स्टेबल होगा. ठीक है, लेकिन अगर हम जेड ग्रेटर देन 25 लें, ठीक है, तो उस केस में एन बाई जेड के रेशियो को 1 से ज्यादा होना पड़ेगा. एन बाई जेड के रेशियो के 1 से ज्यादा हो जाने का क्या मतलब हुआ? आप जेड को उधर लेके जाइए, इसका मतलब एन ग्रेटर देन जेड होना चाहिए, यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज्यादा होने चाहिए. ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज्यादा होना चाहिए. और ये चीज देखो हम लोग ऑब्जर्व भी करते हैं. जैसे अगर हम यूरेनियम की बात करें तो यूरेनियम 92 और ये 235 होता है, 234 235 237 इस तरीके का होता है. ठीक है, इस केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन बताओ कितना है? अरे नंबर ऑफ प्रोटॉन जिसको एटॉमिक नंबर भी बोला जाता है कितना है? 92 है. लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है? तो इसमें से इसको माइनस करोगे ना, कितना आ रहा है? 143 आ रहा है. क्या एक बात बताइए, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या सेम है? कौन ज्यादा है,
नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा है, थोड़ा बहुत ज्यादा है, मैंने ये 92 है तो ये 95 है, ना ना, ये लगभग डेढ़ गुना है, मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में ज्यादा है। तो जैसे जैसे न्यूक्लियस हेवी होता जाता है ना, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की संख्या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के रेस्पेक्ट में ज्यादा होते जाती है। अरे यहाँ तो फिर भी 11 था तो न्यूट्रॉन 12 था, बोलो ना, लेकिन यहाँ पर ये 92 है तो ये सीधे कितना है, 143 है, ठीक है। तो ऐसे न्यूक्लियस जो भारी होते हैं उनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज्यादा होने चाहिए, तब वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। क्या आप ये जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों होता है? आप ये जानना चाहते हैं? चलिए हम जानते हैं, ठीक है। ये एक न्यूक्लियॉन है, ठीक है, प्रोटॉन है ये, ये क्या है, न्यूट्रॉन है, ये क्या है, प्रोटॉन है, ये क्या है, न्यूट्रॉन है, ये क्या है, प्रोटॉन है, ये क्या है, न्यूट्रॉन है, ऐसा है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए हम थोड़े छोटे न्यूक्लियस की बात करें, छोटे न्यूक्लियस की बात करें का मतलब हो गया, बोलो ना, कि 25 से कम की अगर हम बात करें, तो मिला जुला के काउंट करो ना इसमें कितना है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 गो प्रोटॉन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 गो न्यूट्रॉन है, तो लगभग 12 है टोटल। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये कार्बन का न्यूक्लियस है ना बाबू। तो इस केस में देखो क्या है कि ये प्रोटॉन और ये भी क्या है, अरे ये प्रोटॉन और ये भी क्या है, प्रोटॉन है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में ना एक टाइप की दुश्मनी, कौन सी दुश्मनी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन वाली दुश्मनी है, क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। लेकिन इन दोनों के बीच में दोस्ती भी है, कौन सी वाली दोस्ती है, न्यूक्लियर फोर्स वाली दोस्ती है, क्योंकि इनके बीच का सेपरेशन लगभग 0.8 फर्मी और 0.8, बोलो ना, हाँ 0.8 फर्मी, या फिर थोड़ा सा ज़्यादा भी करोगे तो 1 फर्मी 2 फर्मी, यही ना होगा, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस तो है नहीं, तो इनके बीच में न्यूक्लियर फोर्स भी लग रहा होगा। और आप बताइए कौन सा फोर्स ज़्यादा होता है, कौन ताकतवर होता है, तो न्यूक्लियर फोर्स ज़्यादा होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक नाम की दुश्मनी है तो न्यूक्लियर फोर्स नाम की दोस्ती भी है, जिसमें दोस्ती ज़्यादा ताकतवर है दुश्मनी के रेस्पेक्ट में। तो फिर क्या, बीच बीच में मत बोलिए, ठीक है, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नाम की एक दुश्मनी है, दोनों एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, लेकिन न्यूक्लियर फोर्स नाम की दोस्ती भी है। और बताओ ज्यादा गहरा कौन है, दुश्मनी ज्यादा गहरा है कि दोस्ती ज्यादा है? दोस्ती ज्यादा गहरा है, जैसे दो दोस्तों में होता नहीं है क्या, कुछ चीजों को लेकर मन मुटाव भी होता है। जैसे मान लो कि ये मुंबई इंडियंस का सपोर्टर है, वो चेन्नई सुपर किंग्स का सपोर्टर, लेकिन दोनों दोस्त है। अब जब मैच चलेगा तो झोटा झोटी होगा दोनों के बीच में, लेकिन ऐसा थोड़ा है कि दोस्ती खत्म हो जाएगा फिर ये दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे, मैच खत्म फिर से दोस्ती शुरू हो जाएगी इनके बीच में। तो दोस्ती ज्यादा गहरी है, दुश्मनी उतनी गहरी नहीं है। तो दोस्तों का, इन दो दोस्तों का ये जो ग्रुप होगा वो एक स्टेबल ग्रुप होगा, है कि नहीं? ठीक उसी तरीके से अगर हम इसके और इसके बीच में देखें तो ठीक है डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा है, लेकिन फिर भी इतना भी ज्यादा नहीं है कि न्यूक्लियर फोर्स काम नहीं करे। तो वही बात है, दोनों के बीच में दुश्मनी भी है और दोनों के बीच में दोस्ती भी, और दोस्ती ज्यादा गहरी है, ठीक है। इन दोनों के बीच में भी वही हाल है, इन दोनों के बीच में भी वही हाल है। मैं मान के चलो कि 1.5-2 फर्मी है, तो 1.5-2 फर्मी पर भी फोर्स लग जाता है, 3-4 फर्मी होगा तब फोर्स नहीं लगेगा। इन लोगों के बीच में भी दोस्ती है ताकतवर, दुश्मनी है थोड़ा कमजोर। तो मिला जुला के देखा जाए तो ये पूरे का पूरा जो न्यूक्लियस है ना वो एक स्टेबल न्यूक्लियस होगा। क्यों स्टेबल होगा? क्योंकि दुश्मनी तो है लेकिन दोस्ती भी तो है। लेकिन अगर हम एक बहुत भारी न्यूक्लियस की बात करने लगे, ये देखिए ये हो गया प्रोटॉन, 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 क्या है ये, अरे ये सब कौन है, ये सब प्रोटॉन्स हैं, बोलिए ना कौन है ये लोग, ये प्रोटॉन्स हैं, ठीक है। तुम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं कि इनको हम इरिटेट करें, ठीक है। और ये सब कौन है बताओ, ये सब न्यूट्रॉन है, ठीक है। तो एक बहुत भारी न्यूक्लियस हो गया ये, अरे बोलो जल्दी। अब देखो इसमें प्रॉब्लम क्या होगा कि अगर मैं इसकी बात करूं, सुनो, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये एक प्रोटॉन है, और मैं इसकी बात करूं तो ये भी एक प्रोटॉन है, तो दोनों के पास चार्ज है, यानी दोनों एक दूसरे पे इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन तो लगा रहा होगा, यानी दुश्मनी तो है,
बोलिए ना, हाँ, लेकिन क्या दोनों के बीच में जो अट्रैक्टिव नेचर वाला न्यूक्लियर फोर्स लगता है वो लग रहा होगा क्या? क्यों नहीं लग रहा होगा? क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा दिख रहा है, लगभग ये होता है 0.8, तो ये लगभग 3-4 फर्मी नहीं है। तो ये दो ऐसे लोग हैं जिनके बीच में दुश्मनी तो है लेकिन दोस्ती है ही नहीं। अरे बोलिए ना, तो ऐसा सिर्फ एक पेयर के साथ थोड़े होगा, इसका इसके साथ भी तो यही हाल ना होगा। ये दोनों एक दूसरे पे इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन तो लगा रहा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लॉन्ग रेंज फोर्स होता है, वो किसी भी डिस्टेंस पे लग जाएगा। लेकिन न्यूक्लियर फोर्स लगने के लिए 10^-15 मीटर के ऑर्डर में आपको आना पड़ेगा। तो मिला जुला के इसका इसके साथ दुश्मनी तो है लेकिन कोई दोस्ती नहीं है। बाबू इसका इसके साथ, अरे दुश्मनी तो है लेकिन दोस्ती नहीं है, इसका इसके साथ दुश्मनी तो है लेकिन दोस्ती। तो ये जो दूर दूर वाले प्रोटॉन्स है ना, वो सब एक दूसरे को रिपल तो कर रहे हैं लेकिन अट्रैक्शन वाली उनमें कोई बात नहीं है। बाप बताइए कि जैसे इसी क्लासरूम में बहुत सारे ऐसे लोग हो जाएं जिनका आपस में दुश्मनी हो और किसी टाइप की कोई दोस्ती नहीं हो, जैसे इसका उसके साथ दुश्मनी है, इसका उसके साथ भी दुश्मनी है, इसका नहीं, नहीं नहीं इसके साथ तुम्हारी दोस्ती है, ये तुम्हारा दोस्त है। अरे जो दूर होगा उसी के साथ ना दुश्मनी होगा, ठीक है, दुश्मनी तो इसके साथ भी है लेकिन चूंकि इसके साथ दोस्ती भी है तो इसीलिए आप दोनों एक साथ रह सकते। एक दिन देखे थे तुमको, हम पीछे भेज दिए थे, क्या हो गया था? हाँ तो वही हाल है। तो अगर बताइए कि यहाँ बहुत सारे ऐसे पेयर्स हैं, बहुत सारे ऐसे जिनके बीच में देखिए दुश्मनी तो है लेकिन दोस्ती नहीं है, तो बताइए बताइए स्टूडेंट्स का ये ग्रुप एक स्टेबल ग्रुप होगा कि अनस्टेबल ग्रुप होगा? ये बहुत अनस्टेबल ग्रुप होगा। 5 मिनट के लिए हो सकता है मैं क्लास से बाहर चला जाऊं तो मारापीटी शुरू हो जाएगा, आप समझ रहे हैं? तो इसीलिए भगवान ने सोचा कि यार ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जा रही है, ये लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन तो लगा रहे हैं लेकिन न्यूक्लियर अट्रैक्शन तो लग नहीं रहा है। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया ना, ढेर सारे प्रोटॉन्स को कन्वर्ट कर दिया किस में, न्यूट्रॉन्स में। अगर मान लीजिए ये प्रोटॉन कन्वर्ट हो जाए किस में बताओ, न्यूट्रॉन में, तो अब क्या इसका इससे कोई दुश्मनी होगा? क्या ये और ये अब आपस में कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएंगे? नहीं लगाएंगे, क्योंकि अब इसके पास चार्ज ही नहीं। माना मैंने कि इसका इसके साथ कोई दोस्ती नहीं है लेकिन बाबू दुश्मनी भी तो नहीं है, ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अनजान है, ना दोस्ती है ना दुश्मनी है। तो पहले के रेस्पेक्ट में तो ये एक ज्यादा स्टेबल ग्रुप हो गया कि नहीं? ये पहले बहुत लोगों के साथ दुश्मनी रखता था, न्यूट्रॉन हो जाने से अब इसका सारा दुश्मनी खत्म हो गया, तो ये ग्रुप पहले से थोड़ा ज्यादा स्टेबल हो गया। अरे बोलिए जल्दी, अब प्रोटॉन के न्यूट्रॉन में बदल जाने से ना साइज पे असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स तो अभी भी उतना ही है, साइज पे भी असर नहीं पड़ेगा, मास पे भी असर नहीं पड़ेगा, असर पड़ेगा तो अंदर की दुश्मनी पे, कई सारी दुश्मनियां जो है वो खत्म हो जाएंगी, ठीक है। जैसे मान लो ट्रेन के कंपार्टमेंट में है ना, बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, तो छोटे छोटे ग्रुप्स में अगर लोग बैठे हुए हैं तो वो लोग होते हैं जिनकी आपस में दोस्ती होती है, जैसे इन सब का आपस में क्या होगा, दोस्ती होगा, इन सब का भी आपस में दोस्ती होगा, लेकिन इनका इनके साथ और इनका इनके साथ कोई जान पहचान नहीं है। अरे बोलो ना, हाँ, तो अगर कोई जान पहचान ना हो तो वो ग्रुप ज्यादा स्टेबल होगा, बोलो, अगर दो लोगों के बीच में दुश्मनी है उसके रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो इसीलिए ना भगवान ने क्या किया कि जब हेवी न्यूक्लियस होता था ना, क्या होता था, जब न्यूक्लियस हेवी होता था तो कई सारे प्रोटॉन्स को न्यूट्रॉन्स में बदल दिया जाता था। यही वजह है कि यूरेनियम अगर हम 92 और 235 की बात करें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन तो बस इसमें 92 रहेगा और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 143, क्लियर है। चलिए, तो इसीलिए हम देखते हैं कि हेवी न्यूक्लियाई के केस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज़्यादा होते हैं, ठीक है। स्टेबिलिटी कर्व, ये कर्व बनता है नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बीच में। तो बाबू 25 तक ना ये कर्व लगभग स्ट्रेट टाइप का आपको दिखेगा, कहाँ तक बताइए, 25 तक, एटॉमिक नंबर 25 तक ये आपको कैसा दिखेगा, स्ट्रेट। इसका मतलब हुआ कि अगर 8 प्रोटॉन्स हैं तो 8 न्यूट्रॉन्स भी होंगे, अरे लगभग बराबर ना होता है। मान लीजिए कि अगर मान लीजिए 15 प्रोटॉन है तो 15 न्यूट्रॉन भी होगा, बोलो ना,
20 प्रोटॉन है तो 20 न्यूट्रॉन भी होगा, 25 प्रोटॉन है तो 25 न्यूट्रॉन भी होगा, तो लगभग बराबर होता है। 25 तक आप मिला के देखिएगा, बहुत ज्यादा होता है तो एक ज्यादा होगा, अरे जीरो से जीरो बोल रहा हूँ, एक से लेके लगभग तुम 25 तक देखोगे ना, तो बहुत ज्यादा होगा तो न्यूट्रॉन कहीं एक ज्यादा होगा, या बहुत ज्यादा होगा तो दो ज्यादा होगा, एक दो से ज्यादा नहीं होता है। लेकिन इसके बाद न्यूट्रॉन्स की संख्या अचानक से बहुत तेजी से बढ़ने लगती है, इसके बाद कर्व स्ट्रेट ना होके हाँ घूम जाता है इधर की तरफ, और ये जो बेंड है वो किस बात की तरफ इशारा कर रहा है, तो वो इशारा कर रहा है कि जैसे मान लीजिए अभी प्रोटॉन ये है, बोलो, और अभी प्रोटॉन ये है, तो प्रोटॉन्स की संख्या में इतनी इतनी बढ़ोतरी हुई, बताइए न्यूट्रॉन्स की संख्या में बढ़ोतरी कितनी हुई, इतनी हुई, तो आपको नहीं लग रहा है प्रोटॉन थोड़ा सा ही बढ़ा है लेकिन न्यूट्रॉन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, ठीक है। तो हेवी न्यूक्लियस के साथ ऐसा होता है, वही सब बात इसमें लिखा होगा, आगे बढ़े, चलिए ठीक है। यह है ग्राफ बिटवीन ईबीएन एंड ए, ईबीएन का मतलब क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, और हम जानते हैं कि जिसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ज्यादा होगा वो ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है, ठीक है। तो ऐसा ग्राफ बना है, तो आप ये देख रहे होंगे कि जो बहुत हल्के न्यूक्लियस हैं, इस एक्सिस पे हमने किसको रखा है, किसको रखा है, न्यूक्लियॉन नंबर, जिसको डिनोट किया जाता है ए से, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन से ये, और इस एक्सिस पे हमने रखा है बाइंडिंग एनर्जी जो कि किसमें है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो मैं अगर पूछूं कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, ये हाइड्रोजन का दूसरा आइसोटोप है, उसके लिए कितना है, तो लगभग लगभग मान के चला जाए तो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है कि नहीं, अरे बोलो यार, हाइड्रोजन का दूसरा आइसोटोप जिसको हम ड्यूटेरियम कहते हैं, उसके लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कितना है, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ये हीलियम हो गया, नहीं नहीं सॉरी, ये भी हाइड्रोजन ही है लेकिन ये हाइड्रोजन का तीसरा आइसोटोप है, ट्रिटियम है ये, तो उसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन लगभग लगभग 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है कि नहीं। तो आप बताइए न्यूक्लियस के हिसाब से ड्यूटेरियम का न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल होता है कि ट्रिटियम का न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल होता है, कौन ज्यादा स्टेबल होता है, ड्यूटेरियम का कि ट्रिटियम का, ट्रिटियम का, क्योंकि उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ज्यादा है, ठीक है। तो जैसे जैसे न्यूक्लियस भारी होता जा रहा है ना, आप देखिएगा उसकी स्टेबिलिटी भी बढ़ती जा रही है, मतलब थोड़ा बहुत ऐसा स्पाइक्स टाइप का आ रहा है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो जैसे जैसे हम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स को बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे स्टेबिलिटी बढ़ता जा रहा है कि नहीं, अरे बोलो, बढ़ते बढ़ते सबसे मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन किसका है, आयरन का है, उसके बाद फिर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन क्या होने लगा, घटने लगा। तो अगर मैं पूछूं कि पूरे पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन सबसे ज्यादा किसका होता है, किसका होता है, आयरन का होता है, इसका मतलब हुआ कि सबसे ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियस किसका होता है, आयरन का होता है, जिसका मास नंबर कितना होता है, 56 होता है, इसीलिए मोदी जी 56 इंच का सीना बोलते हैं, सब आयरन, समझ में आया, 56 इंच का थोड़े उनका सीना है, लेकिन वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनको पता है कि सबसे ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियस होता है आयरन का, चाहे कम दाम में फौलाद का सीना नहीं बोला जाता है कि मेरा सीना फौलाद का है, फौलाद का मतलब लोहा हुआ, लोहा का मतलब आयरन हुआ, आयरन जिसका मास नंबर कितना है उसका न्यूक्लियस सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है, हो गया। हाँ आप देखिए, तो बहुत बहुत हल्के न्यूक्लियस भी अनस्टेबल होते हैं और बहुत बहुत हल्के न्यूक्लियस भी अनस्टेबल होते हैं और बहुत भारी न्यूक्लियस भी अनस्टेबल होता है, देख रहे हो, जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम नहीं हो रहा है क्या, बोलिए ना। चलिए तो देखते हैं हम क्या कंक्लूजन निकाल रहे हैं इससे। तो कंक्लूजन सबसे पहला तो बाबू ये निकल रहा है, अच्छा वो सेम ग्राफ है, अरे सेम ग्राफ है, इसमें थोड़ा सा स्पाइक्स टाइप का था ना, अरे बोलो ना, ऐसा नहीं है कि इधर स्पाइक्स नहीं होगा, इधर भी होगा, लेकिन ऐसा बहुत दूर से हम देखेंगे तो लगभग लगभग हमको
स्मूथ दिखाई देगा। तो इसी ग्राफ को मैंने यहां पर बनाया है ना, मोटा मोटी अगर बनाया जाए तो ग्राफ ऐसा बनता है, ठीक है। तो इस ग्राफ से रिलेटेड कंक्लूजन देखेंगे। सबसे पहला कंक्लूजन ये है कि न्यूक्लियस हैविंग मास नंबर बिलो क्या 30 एंड ग्रेटर देन 170, ग्रेटर देन क्या 170 हैज ईबीएन लेस देन एवरेज बाइंडिंग एनर्जी। यहां हालांकि पर न्यूक्लियन भी होना चाहिए, क्या होना चाहिए ये आप जोड़ लीजिएगा। न्यूक्लियस हैविंग मास नंबर बिलो 30 एंड ग्रेटर देन 170, इसका मतलब 30 से कम मास नंबर वाले और 170 से ज्यादा मास नंबर वाले जो न्यूक्लियस होते हैं ना, उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो कि कितना है 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, उससे क्या होता है कम होता है। जैसे इस ग्राफ में तुम देखो, ये तुम्हारा 30 मास नंबर वाला है और ये तुम्हारा 170 मास नंबर वाला है। अरे जैसे जैसे आगे बढ़ोगे मास नंबर बढ़ेगा ना, हाँ, तो ये 30 वाला है वो कौन सा वाला है, 170 वाला है। तो आप देखिएगा कि 30 से कम वालों के लिए जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है कि नहीं, अरे यही ना है 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और 170 से ज़्यादा अगर जाओगे तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एक बार फिर से कम होने लगा ना। तो बात ऐसा है कि हम ये बात जानते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डिफरेंट डिफरेंट है, बोलो ना। हाइड्रोजन का कुछ और होगा, हीलियम का कुछ और होगा, लिथियम का कुछ और होगा, आयरन का कुछ और होगा। और आयरन का कितना होता है लगभग 8. ये यहाँ रहेगा 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जब चीजें डिफरेंट डिफरेंट हो तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम उसकी एवरेज वैल्यू ही ना निकालते हैं। जैसे एग्जाम के 5 सब्जेक्ट्स में अगर आपका डिफरेंट डिफरेंट नंबर रहता है 50, 60, 70, 80, 90, किसी को आपको समझाना है कि एग्जाम में आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा, तो क्या आप एक एक सब्जेक्ट का नंबर थोड़े बताते हैं, आप क्या निकालते हैं, आप उसका एवरेज निकालते हैं। तो इसीलिए चूंकि हर एलिमेंट की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अलग अलग है तो उसका एवरेज निकाला गया, बोलो ना, किसी का ज्यादा है किसी का कम है, तो एवरेज निकाला गया तो वो कितना निकला, 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकला। तो ये कहा गया कि 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जिनका होगा, तो किनका ज्यादा है, 30 और 170 के बीच में जो लोग हैं, अरे उन्हीं का ना ज्यादा है 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, तो इनको थोड़ा स्टेबल माना जाएगा। और जिनका इससे कम है, मतलब 30 से कम और 170 से ज्यादा, उनको थोड़ा अनस्टेबल माना जाएगा। अरे बोलो ना, जैसे पढ़ाई लिखाई में ही एगो 60% बना दिया गया है जिसको बोला जाता है फर्स्ट डिवीजन। क्या बोला जाता है, फर्स्ट डिवीजन। तो गांव देहात में जाओगे ना तो वहां के लोग अगर तुमसे पूछेंगे तो वो ये नहीं पूछते हैं कि कितना परसेंट आया है, वो पूछते हैं कि कौन डिवीजन से तुम पास किए हो, है कि नहीं। तो तुम चाहे 62% ले आओ, चाहे 95% ले आओ, तुमको बताना उनको क्या पड़ेगा, तुमको फर्स्ट डिवीजन ही बताना पड़ेगा। अरे बोलिए ना, 60% से नीचे आएगा तो सेकंड डिवीजन हो गया। तो जैसे ही सामने वाला सुनेगा ना कि तुम्हारा फर्स्ट डिवीजन है तो समझ जाएगा कि ये एक अच्छा स्टूडेंट है। अब तुम 62% ले रहे हो, अच्छा है 95% ले रहे हो, लेकिन जैसे ही सुनेगा कि इसका सेकंड डिवीजन है चाहे थर्ड डिवीजन है, समझ जाएगा ये वो उतना अच्छा स्टूडेंट नहीं है। तो जिस तरीके से पढ़ाई लिखाई में ऐसा बना दिया गया, आपका पढ़ने का मन नहीं है क्या, जिस तरीके से ये बना दिया गया कि अगर 60 डिवीजन से किसी का ज्यादा रहेगा तो उसको अच्छा स्टूडेंट माना जाएगा, 60% से किसी का कम रहेगा तो उसको थोड़ा खराब स्टूडेंट माना जाएगा, उसी तरीके से बाबू 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा जिनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है उनको थोड़ा स्टेबल न्यूक्लियस माना जाएगा, जिनका इससे कम है उसको थोड़ा अनस्टेबल माना जाएगा। तो वो बात यहाँ पर नोट नंबर 1 में कहा जा रहा है, क्लियर है। अरे बोलो, चलो अगला देखो। ईबीएन इज ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट फॉर, यहां मास नंबर आएगा, ईबीएन इज ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट फॉर मास नंबर ग्रेटर देन क्या 30 एंड लेस देन 170। इसका मतलब यह हुआ कि 30 से लेके और कहां तक
170 तक EBN जो है लगभग लगभग कांस्टेंट है। अच्छा, आपको लग रहा होगा कि मतलब वैसे बढ़ा भी है घाटा भी है, लेकिन आप देख नहीं रहे हैं क्या कि 8 से बढ़ के ज्यादा से ज्यादा कितना हुआ है, 8.8 हुआ है। अरे ये ना हुआ है, 0.8 ही ना बढ़ा है। तो 30 से लेके 170 तक जितने भी न्यूक्लियस हैं उन सब की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन में वेरिएशन बहुत कम है कि नहीं? अरे वेरिएशन बस कितने का हुआ है, 0.8 का हुआ है। अरे तो लगभग लगभग हम कांस्टेंट ही ना मानेंगे, बहुत धीरे 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 बढ़ा है और बहुत धीरे धीरे कम भी हो रहा है। यहाँ पर देखो बड़ा तेजी से बढ़ा था, लेकिन यहाँ लग रहा है कि लगभग लगभग कैसा हो गया है, कांस्टेंट ही हो गया है। अरे थोड़ा बढ़ा है थोड़ा घटा है, लेकिन इतना धीरे धीरे बढ़ रहा है इतना धीरे धीरे घट रहा है ना कि लगभग हम इसको क्या मान के चलेंगे, हम कांस्टेंट मान के चलेंगे। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर कहा जा रहा है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट फॉर मास नंबर ग्रेटर देन 30 एंड लेस देन 170। अब सवाल है इसके पीछे का रीजन क्या है, शुरू में क्यों ये बड़ा तेजी से बढ़ा था बोलो ना, लेकिन उसके बाद लगभग लगभग ये कांस्टेंट क्यों हो गया है? तो इसका रीजन है द कॉन्स्टेंसी ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इन दिस रेंज इज अ कॉन्सिक्वेंस। कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है परिणाम। तो ये परिणाम किस चीज का है, तो ऑफ दिस फैक्ट दैट न्यूक्लियर फोर्स इज शॉर्ट रेंज। कोई पूछेगा कि 30 के बाद से बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन लगभग लगभग कॉन्स्टेंट क्यों हो गया, मैंने बढ़ भी रहा था तो बड़ा धीरे धीरे, घट भी रहा था तो बड़ा धीरे धीरे, तो आप उसको बताइएगा ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स एक शॉर्ट रेंज फोर्स है। कैसा फोर्स है? शॉर्ट रेंज फोर्स है, इस वजह से ये कांस्टेंट हो गया। तो क्या आप इसका रीजन जानना चाहते हैं कि शॉर्ट रेंज होने से ये कांस्टेंट क्यों हो गया लगभग लगभग, आप जानना चाहते हैं? नहीं, मैं स्किप कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, ये नहीं कोई पूछेगा, रीजन यही है। अगर कोई पूछेगा भी तो आप बता दीजिएगा वो शॉर्ट रेंज होता है, वो सेटिस्फाई हो जाएगा। नहीं नहीं ज्यादा पूछेगा, फिर भी जानना चाहिए, मतलब सही में तुम जानना चाहते हो। ठीक है, तो बताता हूं मैं क्या कर सकता हूं। मान लो कि ये कोई न्यूक्लियन है, क्या है, अब आराम से समझना। एक दूसरा न्यूक्लियन हम उसके करीब लेके आए, आप जानते हैं दो न्यूक्लियंस को जब करीब लाया जाता है तो उसमें से एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, मान लो टोटल 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज हुआ, इस पेयर से कितना एनर्जी रिलीज हुआ, 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसमें से कितना हुआ होगा, 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब हुआ अभी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितना है, 5 मेगा। ये तुमको समझ में आया, बोलो जल्दी, इसमें से भी 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकला होगा, इसमें से भी 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकला होगा। अब एक काम करते हैं, हम एक और न्यूक्लियन लेके आते हैं, जरूरी नहीं है कि सब प्रोटॉन हो, इसमें कोई प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो सकता है, हम एक और लेके आते हैं। अब आप बताइए इसके आने से इस पेयर से एक बार फिर से कितना रिलीज होगा, 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, समझे नहीं आप, यानी इसमें से अब फिर कितना निकल जाएगा, 5 पहले से निकल गया था, 5 अब निकलेगा। यानी अगर हम सिर्फ इसकी बात करें, एक की बात करें, तो जब हम एक की बात करेंगे का मतलब हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की बात कर रहे हैं, तो इसके आ जाने से इसमें से टोटल 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज हुआ है। अरे जब ये आया था तो 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकल गया था, फिर ये आया तो 5 और निकल गया, अरे बोलो। ठीक है, तो इस केस में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितना हो रहा है, 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, ऐसा नहीं है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन में सिर्फ इसी का 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सबका 10-10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, कैसे? तो बाबू जब ये आया था, ये नहीं था, तो कितना एनर्जी रिलीज हुआ था, अरे टोटल में से कितना रिलीज हुआ था, 10। ठीक है, अब जब ये आया तो इसमें से भी 10 होगा, इसमें से भी 10 होगा, टोटल कितना एनर्जी रिलीज हुआ, 30। अरे टोटल कितना हुआ, यानी कि इसने कितना किया होगा, 10, इसने भी कितना किया होगा, ये आप समझ रहे हैं ना? तो भले मैं फोकस इस पर कर रहा हूं, लेकिन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबका सेम होगा। अरे बोलो यार, अब एक काम करते हैं हम लोग, एक और को लेके आते हैं, ये लीजिए एक और लेके आए, बताइए इस पेयर में से फिर 10 निकल गया, तो अब इसका बाइंडिंग एनर्जी कितना हो गया, अरे मैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की बात कर रहा हूं, कितना हो गया, 10 हो गया। ये तुम समझ रहे हो क्या रहा है,
इसके आ जाने से इस पेयर में से फिर से 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकल जाएगा कि नहीं? तो जब ये आया था तो 5 निकला था, ये आया था तो 5 और निकल गया, ये आया तो 5 और निकल, यानी अब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हो गया कितना? अब आप देख रहे हैं कि कितनी तेजी से बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ रहा है। हे भगवान, बस एक न्यूक्लियन हम लोग ऐड कर रहे हैं, अब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सीधा डबल हो गया, ट्रिपल हो गया। आप समझ रहे हैं? इसका मतलब स्टेबिलिटी भी बहुत तेजी से बढ़ेगा। इसीलिए ग्राफ में आपने देखा होगा ये स्टेबिलिटी कर्व जो था उसमें बड़ा तेजी से बढ़ रहा था कि नहीं, बोलो ना। अब सुनो बाबू, जब ये आएगा तो बताओ क्या होगा? 5 और निकल जाएगा, कितना हो गया बताइए? 20 हो गया। ये आएगा तो क्या होगा? इसमें से 5 और निकल जाएगा, कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। ये आएगा तो क्या होगा? 5 और निकलेगा, कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। इज इट क्लियर? अब मान लीजिए यहाँ कोई आया, अब बताओ इन दोनों के बीच में डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा ना है, तो जब यहां तक लाए थे तो 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकला था, अभी यहीं पे रह गया ये, तो 10 नहीं निकलेगा, 10 से कुछ कम ना निकलेगा। तो अब बाबू इसके आने से इस पेयर में से कुछ मान लो 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज हुआ, तो इसमें से कितना होगा? 3 होगा। इसमें से कितना होगा? यानी अब इसकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी हो गई? तो 33। आप समझ रहे हैं? चलिए बताइए इसके आने से क्या होगा? फिर 6 निकलेगा, यानी इसमें से और 3 निकलेगा, ये कितना हो जाएगा? 36। ये बताइए इसके आने से क्या होगा? जल्दी बोलते जाइए, थोड़ा सा ये दूर ना है तो उतना 10 नहीं निकला होगा, 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकला होगा, तो 6 में से 3 इसमें से निकला होगा, 3 इसमें, तो इसका हो गया कितना? 39। और बताइए, तो बताइए इसके आने से क्या होगा, बोलो? 42। अच्छा, एक चीज और नोटिस करने वाली है कि शुरू में बड़ा तेजी से बढ़ रहा था, 5-5 करके बढ़ रहा था, अब 3-3 करके ना बढ़ रहा है, तो रेट पहले से थोड़ा कम हो गया है कि नहीं? इसीलिए आप देखिएगा कि ग्राफ का स्लोप शुरू में बड़ा ज्यादा था और बाद में स्लोप क्या होने लगा? कम होने लगा। देखो ना, स्लोप कम नहीं होने लगा। किसी भी ग्राफ में जो स्लोप होता है वो रेट ऑफ चेंज बताता है। आपको याद है dy by dx का मतलब स्लोप भी होता है और dy by dx का मतलब रेट ऑफ, तो इसका मतलब हुआ रेट ऑफ चेंज ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। पहले 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रेट से बढ़ रहा था, अब 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रेट से बढ़ रहा है। बहुत बढ़िया। चलिए इसके आने से क्या होगा और बताइए? तो 45 हो जाएगा। ये आया तब क्या होगा बताइए? 48 हो जाएगा। ये आप समझ रहे हैं? अभी भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ तो रहा है ना। अब मान लीजिए यहां पर कोई आया, यहां पर आया, अब सुनो, अब इसके और इसके बीच का जो सेपरेशन है मान लो कि 4 फर्मी हो गया, नहीं समझे आप, कितना हो गया? तो इसके आने से इस पर कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 4 फर्मी पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है? 0 होता है। अब कोई एनर्जी इसमें से रिलीज नहीं होगा। इसके आने से कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। इसके आने से कोई फर्क पड़ेगा? इसके आने कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप समझ रहे हैं? तो इसका मतलब आप कितना न्यूक्लियन क्यों ना इसमें जोड़ते जाइए, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पे अब फर्क नहीं पड़ेगा, वो लगभग लगभग कॉन्स्टेंट हो जाएगा। अरे बोलिए ना, लेकिन कांस्टेंट पूरी तरीके से नहीं होता, ऐसा नहीं होता कि एकदम सीधा हो जाए, इसको ना पूरा कांस्टेंट बोला जाएगा, ये धीरे 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 इसका ड्रॉप ना होता है, और ड्रॉप होने की वजह आप जानते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक प्रोटॉन है और यहां हम एक प्रोटॉन ला दिए, बोलिए ना, तो ठीक है दोनों के बीच में कोई न्यूक्लियर फोर्स तो नहीं लग रहा है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन बढ़ने लगा कि नहीं? और इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन बढ़ेगा तो ये अनस्टेबल होंगे, और अनस्टेबल होंगे तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होने लगेगा, इसीलिए धीरे धीरे ये क्या होने लगा है? कम होने लगा है। अगर इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन नहीं होता ना, तो ये क्या हो जाता? पूरी तरीके से कॉन्स्टेंट हो जाता। इसके आने से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, बोलो ना। तो ये रीजन है, ठीक है? तो मिला जुला के अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया, नहीं समझ में आया तो एक लाइन में याद रखिए। कोई पूछेगा बताइए 30 से लेके 170 तक बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन लगभग कांस्टेंट क्यों हो जाता है? बता दीजिएगा, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स शॉर्ट रेंज का होता है। आखिरी कंक्लूजन है कि न्यूक्लियस हैविंग मास नंबर कितना? 56 हैज मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। इसका मतलब ये पूरे पीरियोडिक टेबल का सबसे स्टेबल न्यूक्लियस है आयरन का, ठीक है? चलिए, ये पूछ रहा है बिहार बोर्ड 2020 कि सबसे कम स्टेबल न्यूक्लियस किसका होगा? तो सुनो बाबू,
जो लोग बहुत हल्के होते हैं और जो लोग बहुत भारी होते हैं वो दोनों अनस्टेबल होते हैं। तो यहाँ भारी तो कोई है ही नहीं, सबसे ज्यादा स्टेबल किसका होगा? सबसे ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियस किसका होगा? आयरन का होगा। उससे कम होगा इसका, उससे कम होगा इसका, सबसे कम किसका होगा? इसका होगा। जितना हल्का होते जाएगा वो कम होता जाएगा, ठीक है, हीलियम ही आंसर होगा। विच प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियर फोर्स, बताइए न्यूक्लियर फोर्स की वो कौन सी प्रॉपर्टी है जो एक्सप्लेन करेगी अप्रोक्सीमेट कॉन्स्टेंसी ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन विथ मास नंबर और फॉर मास नंबर ग्रेटर देन 30 एंड लेस देन 170। यानी कहने का मतलब है कि ये 30 से लेके 170 तक ये लगभग लगभग जो कॉन्स्टेंट दिख रहा था, इसके लिए बताइए न्यूक्लियर फोर्स की कौन सी प्रॉपर्टी रेस्पॉन्सिबल है? न्यूक्लियर फोर्स का शॉर्ट रेंज हो जाना, वही चीज हम लोग लिख देंगे। एक नंबर का सवाल है, आपको एक नंबर मिल जाएगा, ठीक है। ये कहता है ड्रॉ द प्लॉट शोइंग द वेरिएशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन विथ क्या, मास नंबर। इसका मतलब हुआ कि हमको ये वाला ग्राफ ड्रॉ करना है, बोलिए ना, कर देंगे हम लोग। राइट टू इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स विच यू कैन ड्रॉ फ्रॉम दिस प्लॉट। इस प्लॉट से आप कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स बताइए। तो एक्चुअली तो हम लोगों ने तीन कंक्लूजन अभी देखा है। पहला कंक्लूजन क्या है कि 30 से कम और 170 से ज्यादा वालों की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 8 MeV से कम होती है। इसका मतलब हम इनको अनस्टेबल मानेंगे। 30 से कम वाले और 170 से ज्यादा वाले लोग थोड़े अनस्टेबल होते हैं, पहला कंक्लूजन ये। दूसरा कंक्लूजन ये कि 30 से लेके 170 तक बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन लगभग लगभग कॉन्स्टेंट होता है, तो ये दूसरा कंक्लूजन हो गया और इसकी वजह होती है न्यूक्लियर फोर्स का शॉर्ट रेंज होना। तीसरा कंक्लूजन ये कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे ज्यादा किसका होता है? आयरन का होता है, जिसका मास नंबर 56 होता है। तो इसने सिर्फ दो पूछा है, हम लोगों ने तीन पढ़ा है, तो कोई भी दो आप अपने इच्छा के अनुसार लिख दीजिएगा, ठीक है। न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर, अब देखो हम ये बात जानते हैं कि जो बहुत हल्के न्यूक्लियस हैं वो भी अनस्टेबल होते हैं, जो बहुत भारी है वो भी अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये एक न्यूक्लियस है जिसका मास नंबर है 4, कितना है? ये एक न्यूक्लियस है जिसका मास नंबर है 6 और ये एक न्यूक्लियस है जिसका मास नंबर है 10। कौन बताएगा सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे ज्यादा, वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल 10 ही ना है और सबसे कम स्टेबल कौन है? 4 वाला। तो मिला जुला के देखे तो 4 वाला भी कम स्टेबल है, 6 वाला भी कम स्टेबल है, लेकिन 10 वाला इन दोनों के रेस्पेक्ट में ज्यादा स्टेबल है। तो पता है ये 4 वाले और 6 वाले क्या करना चाहेंगे? अलग अलग जुदा जुदा देखे तो ये अनस्टेबल हैं, लेकिन अगर ये मिलके 4 और 6 क्या अगर 10 बन जाते हैं तो ये थोड़ा ज्यादा स्टेबल नहीं हो जाएंगे? तो ये बिल्कुल चाहेंगे कि हम लोग मिलके एक बड़ा न्यूक्लियस बना लें ताकि हम पहले से ज्यादा स्टेबल हो जाए। इसी प्रोसेस को बोला जाता है न्यूक्लियर फ्यूजन, यानी उसमें कुछ छोटे छोटे न्यूक्लियाई मिलके एक बड़ा न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करते हैं। अरे बोलिए ना, अलग अलग ये लोग अनस्टेबल थे लेकिन अगर मिल जाते हैं तब इनकी जिंदगी में स्टेबिलिटी आ जाएगा, है कि नहीं? तो बिल्कुल ये मिलना पसंद करेंगे, ठीक है, और इस प्रोसेस को बोला जाएगा न्यूक्लियर फ्यूजन। इस प्रोसेस में हमको मिलता है अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। इसका रीजन क्या है, क्यों आपको एक ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलेगा, माने क्यों आपको एनर्जी मिलेगा, ये बताइए ना। ह्यूज अमाउंट बाद में देखेंगे। इसलिए मिलेगा क्योंकि सिस्टम पहले से ज्यादा स्टेबल हो रहा है, और फिजिक्स का कॉन्सेप्ट यह है कि जब भी सिस्टम की स्टेबिलिटी बढ़ती है तो उसकी एनर्जी कम होती है। एनर्जी कम होने का मतलब एनर्जी रिलीज ही ना हुआ होगा, तो इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होगा, और चूंकि ये न्यूक्लियर रिएक्शन है ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा। और मैं आपको बताऊं सूरज से हम तक एनर्जी पहुंचता है कि नहीं, इस एनर्जी का रीजन पता है क्या है? न्यूक्लियर फ्यूजन ही इसका रीजन है। 4 गो हाइड्रोजन का एटम मिलके एक हीलियम का एटम बनाता है,
तो चार छोटे छोटे न्यूक्लियाई मिलकर अगर एक बड़ा न्यूक्लियस बना रहे हैं तो इसको न्यूक्लियर फ्यूजन ही ना कहा जाएगा? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये चीज हो गया, क्या बोलते हो? आगे बढ़ते हैं। अब सुनो, बात करेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन की। वो फ्यूजन था, ये फ्यूजन है। तो फ्यूजन का मतलब होता है जुड़ना, फ्यूजन का मतलब होता है टूटना, टूट के बिखर जाना। ठीक है, ये देखिए, अब हम ये बात जानते हैं कि जो बहुत हेवी न्यूक्लियस है वो भी अनस्टेबल होते हैं। तो मान लीजिए ये है 200 वाला, कैसा है? ये है मान लो 110, ये मान लो कौन सा वाला है? 90 वाला, ऐसा मान लिया जाए। आप बताइए तो इन तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? कौन स्टेबल है? 90 वाला सबसे, इसी का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे ज्यादा है, उसके बाद 110, और सबसे कम स्टेबल कौन है? अरे बोलिए ना, ये 200 वाला है। तो 200 वाला चाहेगा कि वो 110 और 90 में टूट जाए, ये टूटना चाहेगा। क्यों टूटना चाहेगा? क्योंकि टूटने के बाद जो दो कंपोनेंट्स मिलेंगी, जो दो न्यूक्लियाई मिलेंगी, वो दोनों इससे तो ज्यादा ही अनस्टेबल हैं। माने एक साथ ये खुश नहीं है, अब वो अलग अलग होना चाह रहे हैं। नहीं देखिए, होता है रियल जिंदगी में भी होता है, जैसे यहां पर है कि दो लोग हैं तो अलग अलग वो खुश नहीं है, तो वो एक साथ होना चाहते हैं। तो हमारे हाँ समाज ने इसको शादी का नाम दिया है। अरे होता है भाई, जब दो लोग शादी करके जब एक साथ आते हैं तो जिंदगी में स्टेबिलिटी आ जाती है उनकी। शादीशुदा, देखो एक मिनट, शादीशुदा आदमी को समाज ज्यादा स्टेबल मानता है कि नहीं? अगर मेरी बात मत करिए आप लोग, मतलब समाज की निगाहों से देखो तो अगर किसी की शादी हो गई का मतलब समझा जाता है कि अब वो अपनी जिंदगी में सेटल हो। इतना इतना सच नहीं बोलना है, ठीक है? तो माना जाता है कि वो थोड़ा स्टेबल हो गया है ना। तो ये दोनों अलग अलग उतने खुश नहीं थे जितने एक साथ हैं। तो फ्यूजन को हम अपने समाज में शादी का नाम दे सकते हैं। यहां पता है क्या स्थिति है? अब ये लोग एक साथ खुश नहीं है तो उसका भी प्रोसीजर है, जिसको हाँ डाइवोर्स बोला जाता है, तलाक बोला जाता है। वो ठीक है, तो ये अलग अलग हो जाएंगे तो अपनी अपनी जिंदगी में दोनों पहले से ज्यादा स्टेबल रहेंगे। इसको बोला जाता है न्यूक्लियर फ्यूजन। तो इसमें क्या होता है ना कि एक बड़ा सा न्यूक्लियस टूटता है किस में? दो छोटे, दो नहीं दो से ज्यादा में भी टूट सकता है, लेकिन उस एग्जाम्पल के हिसाब से देखें तो एक बड़ा सा न्यूक्लियस टूटा है दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई में, और इसमें भी आपको मिलता है अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। इसमें क्यों मिलता है? इसमें तो टूट रहा है, इसलिए मिलता है कि मिलने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं, शांत रहिए, केमिकल रिएक्शन में जो इधर होता है उसको रिएक्टेंट बोला जाता है, जो इधर होता है उसको क्या बोला जाता है? प्रोडक्ट बोला जाता है। लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शन में जो इधर होता है उसको बोला जाता है पेरेंट न्यूक्लियस या पेरेंट न्यूक्लियाई। मतलब एक है तो न्यूक्लियस, एक से ज्यादा है तो न्यूक्लियाई, पेरेंट वर्ड यूज किया जाता है, और इनको बोला जाता है डॉटर। तो क्या बोलेंगे? हाँ डॉटर बोला जाता है, ठीक है। क्या हुआ? हाँ अपने हिसाब से, मैंने कहने का मतलब है देखिए इसमें एनर्जी थोड़ा खतरनाक टाइप का रिलीज होता है, तो इसीलिए इनको क्या कहा गया? डॉटर न्यूक्लियाई कहा गया, सही है। तो इसमें भी डॉटर न्यूक्लियाई जो है वो पेरेंट न्यूक्लियस के रेस्पेक्ट में ज्यादा स्टेबल है, और जब भी सिस्टम स्टेबल होता है तो एनर्जी तो रिलीज होता ही है। तो चाहे न्यूक्लियर फ्यूजन हो चाहे न्यूक्लियर फ्यूजन हो, हला नहीं, दोनों केस में एनर्जी रिलीज होता है। और जो बॉम्ब गिराया गया था ना हिरोशिमा और नागासाकी पे, तो उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन हुआ था कि न्यूक्लियर फ्यूजन हुआ था? न्यूक्लियर फ्यूजन हुआ। यूरेनियम एक काफी हेवी न्यूक्लियर था, उसको तोड़ के फ्यूजन करा के तब एनर्जी रिलीज किया गया था, जिससे पूरा नागासाकी और हिरोशिमा बर्बाद हो गया था, ठीक है? ऐसा है कहानी। यहां पे बोल रहा है कि इन बोथ दी रिएक्शंस, बोथ दी रिएक्शन का मतलब हुआ कि न्यूक्लियर फ्यूजन हो चाहे न्यूक्लियर फ्यूजन हो, दोनों केस में डॉटर न्यूक्लियाई ज्यादा स्टेबल होंगे।
अरे यार रिएक्शन हुआ ही इसलिए है ताकि स्टेबिलिटी गेन की जा सके, तो डॉटर न्यूक्लियाई ज्यादा स्टेबल होंगे, बोलो ना। हाँ कहाँ गया, नहीं नहीं यहाँ ईबीएन के टर्म में बनाया जा रहा है, ईबीएन के टर्म में बताया जा रहा है। ईबीएन ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई इज मोर देन ईबीएन ऑफ क्या, पेरेंट न्यूक्लियाई। अरे बाबू, तो जिसका ईबीएन ज्यादा होगा वो ज्यादा स्टेबल ही ना होगा न्यूक्लियाई। सो डॉटर न्यूक्लियाई आर मोर स्टेबल देन पेरेंट न्यूक्लियाई। ठीक है, ये सिंपल सी बात है। सवाल है कि कहाँ पीछे देख रहा है, तुम लोग कितने लोग हैं जो स्कूल जाते हैं अभी स्टिल, वो बहुत मतलब स्कूल जा रहे हैं अभी, मतलब जा रहे हो एकदम रेगुलर हो, तुम लोग रेगुलर जाती हो, फिर से एक बार हाथ उठाना। तो इधर से तुम जाता है डेली हमेशा, चार आदमी इधर और इधर कितने लोग हैं, तुम भी रोज जाता है, तो स्कूल जाने से कोई फायदा है क्या अभी, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, बाकी आप लोग नहीं ना जाते हैं स्कूल, बाकी किसी को दिक्कत नहीं ना है, तो हम लोग एक काम कर सकते हैं कि थोड़ा सा टाइमिंग को हम लोग चेंज कर सकते हैं और हम लोग उधर मिल सकते हैं। कितने माने, कोई भी एग्जाम होगा तो एक बजे तक तो छुट्टी हो जाता है ना आप लोगों का, तो हम लोग चाहें तो ऐसे एक से तीन मिल सकते हैं, वो ज़्यादा नहीं, दो तीन दिन के लिए, क्या कि बिना मतलब का देखिए इस सब में अब कुछ है नहीं, ये दो चार पाँच दिन का ही खेल है, दो दो घंटा पढ़ लेंगे तो बहुत जल्दी से ये ख़त्म हो जाएगा, समझ रहे हो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो बस एक ही दिन का है, और अगर उसको लगातार दो घंटा में पढ़ा दूँ तो एक दिन में ख़त्म हो जाएगा, और अगर ऐसे पढ़ेंगे हम लोग तो कम से कम तीन दिन ले लेगा, आप समझ रहे हैं। तो दो तीन दिन के लिए अगर आप स्कूल ना जाए तो हम लोग उधर एक से तीन मिल के, बाबू एग्जाम है तो 10:45 में तुम्हारा छुट्टी हो जाएगा है, 10 तो 1 बजे तक तो खत्म हो जाएगा ना। अच्छा ठीक है, हम लोग देख लेंगे। अगर आपको पता करना है कि किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में कितना एनर्जी रिलीज हुआ है, तो आप प्रोडक्ट की टोटल बाइंडिंग एनर्जी में से रिएक्टेंट की टोटल बाइंडिंग एनर्जी को घटा लीजिएगा। प्रोडक्ट की टोटल बाइंडिंग एनर्जी में से रिएक्टेंट की टोटल बाइंडिंग एनर्जी को घटा लीजिएगा। जैसे इसको हम एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। एक न्यूक्लियस है एक्स जो टूटा है वाई और जेड में। एक्स का मास नंबर कितना है, 100 है। वाई का मास नंबर कितना है, 60 है। और जेड का मास नंबर कितना है, 40। इसका मतलब एक्चुअली हुआ क्या है कि 100 टूटा है किस में, 60 और 40 में टूटा है। अब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ एक्स दिया हुआ है 7 MeV, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ वाई दिया हुआ है 7.5 MeV, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ जेड कितना दिया हुआ है, 8 MeV। तो इतना तो कंफर्म हो गया ना कि इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है, कितनी है, 7 है। इसका कितना है, 7.5, और इसका कितना है, 8 है। तो इतना तो कंफर्म हो गया कि इससे तो ये दोनों ज़्यादा स्टेबल है, अरे है ना, तो इसीलिए ये रिएक्शन होगा। और हमको पता करना है कि इस पूरे रिएक्शन में कितना एनर्जी रिलीज हुआ है, तो आइए पहले हम लोग इसका बाइंडिंग एनर्जी निकालते हैं। तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ क्या निकालना है, टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एक्स अगर आपको निकालना है तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितना है, 7 MeV। और टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने हैं, अरे एक्स के केस में टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने हैं, तो एक न्यूक्लियॉन की बाइंडिंग एनर्जी है 7 MeV, तो पूरे 100 न्यूक्लियॉन्स की बाइंडिंग एनर्जी कितनी होगी। तो ये जानने के लिए हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो कितना आएगा ये, 700 MeV। एक न्यूक्लियॉन की बाइंडिंग एनर्जी 7 है, तो 100 न्यूक्लियॉन्स की बाइंडिंग एनर्जी कितनी हो जाएगी, 700 हो जाएगी। आप बताइए वाई के केस में बाइंडिंग एनर्जी ऑफ वाई कितना होगा, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ वाई, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कितना है, 7.5 MeV, और टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने हैं, 60 हैं। तो ये कितना आ रहा है,
450 आ रहे हैं क्या? 450 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलिए हम बात करते हैं टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ जेड की। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितना है? 8 है। एक न्यूक्लियन की बाइंडिंग एनर्जी 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस कितने हैं? 40 है। तो 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को मल्टीप्लाई करोगे किससे? 40 से। तो तुमको यहां से मिलेगा 320 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब देखो, तुमको पता करना है कि इस रिएक्शन के दौरान कितना एनर्जी रिलीज हुआ होगा। तो मैंने क्या कहा, प्रोडक्ट की टोटल बाइंडिंग एनर्जी में से रिएक्टेंट की टोटल बाइंडिंग एनर्जी को आप घटा लीजिए। बताइए प्रोडक्ट की टोटल बाइंडिंग एनर्जी कितनी है? 450 और 320 मिलके कितना हो जाएगा? 770 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। इसमें से रिएक्टेंट जो था, जिसको हम लोग पेरेंट न्यूक्लियस भी बोलेंगे, उसका कितना था? 700 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बताइए कितना आ गया? 70 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। इसका मतलब हुआ कि इस पूरे रिएक्शन में 70 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होगा। समझ रहे हो? एक बार फिर से बोलो, रिएक्टेंट का टोटल बाइंडिंग एनर्जी कितना था? 700 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। प्रोडक्ट का टोटल बाइंडिंग एनर्जी कितना था? हाँ, दोनों को जोड़ के बताओ, 770 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका मतलब क्या है, मतलब समझिएगा। जब हम इन 100 न्यूक्लियंस को मिला के एक्स बनाए होंगे ना, तो उस दौरान 700 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज हो चुका होगा। अरे बोलो ना, जब ये एक्स हुआ करता था तो टोटल कितना एनर्जी रिलीज हो चुका है? 700 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज हो चुका है। लेकिन जब ये एक्स वाई और जेड में टूटा तो 700 तो पहले ही रिलीज हो चुका है। आप समझे नहीं? जब ये एक्स हुआ करता था, ये 100 लोग क्या हुआ करते थे? जब एक्स हुआ करते थे, उसी समय 700 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज हो चुका है। टूटने के दौरान 70 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक्स्ट्रा रिलीज हो गया, यानी टोटल कितना ही रिलीज हो चुका है? 770। इसीलिए हम बोलेंगे कि प्रोडक्ट की नेट बाइंडिंग एनर्जी है 770 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोलो, एक बात और याद रखना, हमेशा प्रोडक्ट का टोटल बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगा किससे? रिएक्टेंट से। अरे जो स्टेबल है उसी का ना बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगा, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूक्लियंस इधर भी 100 है और इधर भी कितना है? 100 ही है। लेकिन ये ज्यादा स्टेबल है, इसका मतलब इनको तोड़ने में आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। पता है जब ये एक्स था तो तोड़ना आसान था, 700 दे दो ही टूट जाएगा। लेकिन जब ये एक्स वाई और जेड में बदल चुका है ना, अब 700 देने से ये लोग नहीं टूटेंगे, आपको कितना देना पड़ेगा? 770 देना पड़ेगा, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है। तो ये बात याद रखिएगा कि बोथ द न्यूक्लियर प्रोसेस आर ओनली पॉसिबल, दोनों न्यूक्लियर प्रोसेस तभी पॉसिबल होगा व्हेन टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई इज ग्रेटर देन टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ क्या? पेरेंट न्यूक्लियर। हमने देखा था ना कि डॉटर का 770 आया था, पेरेंट का कितना आया था? बस 700 आया था। तभी पॉसिबल होगा जब डॉटर वाले का ज्यादा हो, पेरेंट वाले का कम हो, ताकि डॉटर वाला स्टेबल रह सके। अगला कहता है कि इन एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, अगर कहीं कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, जैसे नॉर्मल बॉम्ब कहीं पटका जा रहा है, दिवाली का जो हम पटाखा जलाते हैं, तो उसमें बारूद का केमिकल रिएक्शन ही ना होता है, एनर्जी रिलीज इन द रेंज ऑफ क्या? फ्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसा एनर्जी रिलीज होता है। बट इन न्यूक्लियर रिएक्शंस, अगर कहीं न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, चाहे न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, एनर्जी रिलीज इन द ऑर्डर ऑफ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मेगा का मतलब होता है 10 लाख, यानी न्यूक्लियर रिएक्शन में केमिकल रिएक्शन के रेस्पेक्ट में लगभग लाखों करोड़ों गुना ज्यादा एनर्जी रिलीज होता है। इतना बड़ा ग्रेनेड अगर कहीं फेंक दिया जाए तो उससे जो एनर्जी रिलीज होगा, इतने बड़े यूरेनियम का अगर हम न्यूक्लियर फ्यूजन करा देना, तो ग्रेनेड के रेस्पेक्ट में लाखों करोड़ों गुना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा। एक ग्रेनेड से अगर हम 10 आदमी को मार दे रहे हैं, तो समझ लीजिएगा कि उतना ही बड़ा अगर हम न्यूक्लियर रिएक्शन कहीं करा दें, तो उसमें करोड़ जोड़ लीजिए, लगभग 10 करोड़ लोगों को हम मार सकते हैं, पूरा बिहार खत्म कर सकते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल में ये दिया हुआ है कि 1 kg यूरेनियम का अगर आप न्यूक्लियर फ्यूजन कराते हैं, तो 10^14 जूल एनर्जी रिलीज होता है,
लेकिन वहीं एक केजी कोयला को अगर आप जलाते हैं तो कोयला जलाने का मतलब केमिकल रिएक्शन ना हुआ है, बस 10^7 जूल। यानी न्यूक्लियर रिएक्शन में केमिकल रिएक्शन के रेस्पेक्ट में 10^7 का मतलब 1 करोड़ गुना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा। क्लियर है? ठीक है, किताब में देख लो, ये सब लिखा हुआ है। ठीक है, बाकी ये सब क्वेश्चन है, आप ट्राई करिएगा। पीछे चले जाए। ठीक है।